पैसों का व्यवहार। नम्र निवेदन। परम पूज्य दादा श्री के श्रीमुख से विविध सत्संगों के दरमियान निकली ज्ञानवाणी जिस तरह पुस्तकों में संकलित हुई है, उसी तरह किसी भी परिवर्तन के बगैर यहाँ प्ररूपित करने का नम्र प्रयास किया गया है। पूज्य दादाश्री और प्रश्नकर्ता के साथ हुए संवादों को अलग अलग व्यक्तियों के आवाज में दर्शाने का प्रयत्न किया गया है। पैसों का व्यवहार। संपादकीय अनहक के बिना हक का विषय नरक में ले जाएं, अनहक की लक्ष्मी तिर्यंच में पशु योनि में ले जाएं। दादाश्री। संस्कारी घरों में हराम के विषय संबंधी जागृति कई जगहों पर प्रवर्तमान है, लेकिन हराम की लक्ष्मी संबंधित जागृति का मिलना बहुत मुश्किल है। हक और हराम की लक्ष्मी की सीमा हो ऐसा नहीं है, उसमें भी इस भीषण कलिकाल में परम ज्ञानी पुरुष दादाश्री ने अपनी स्यादवाद देशना में आत्मधर्म के सर्वोत्तम चोटी के सभी स्पष्टीकरण दिए हैं। इतना ही नहीं, लेकिन व्यवहार धर्म के भी उतने ही उच्च स्पष्टीकरण दिए हैं, जिससे निश्चय और व्यवहार इन दोनों पंखों से समानांतर मोक्ष मार्ग पर उड़ा जा सके। इस काल में व्यवहार में यदि सबसे विशेष प्राधान्य मिला हो तो वो सिर्फ पैसों को, और उन पैसों का व्यवहार जब तक आदर्शता को प्राप्त नहीं होता तब तक व्यवहार शुद्धि संभव नहीं है, और जिसका व्यवहार दूषित हुआ उसका निश्चय दूषित हुए बिना रहेगा ही नहीं। इसलिए पैसों के संपूर्ण दोष रहित व्यवहार का इस काल को लक्ष्य में रखकर पूज्य श्री ने सुंदर विश्लेषण किया है, और ऐसा संपूर्ण दोष रहित और आदर्श लक्ष्मी का व्यवहार आप श्री के जीवन में देखने को मिला है। महापुण्यशालियों को धर्म में, व्यापार में, गृहस्थ जीवन में लक्ष्मी को लेकर स्वयं शुद्ध रहकर आप श्री ने संसार को एक अनोखे आदर्श का दर्शन करवाया। आप श्री का सूत्र, व्यापार में धर्म होना चाहिए मगर धर्म में व्यापार नहीं होना चाहिए, यहां दोनों की आदर्शता बताई है। आप श्री ने अपने जीवन में निजी एक्सपेंस खर्च के लिए कभी किसी का एक पैसा भी स्वीकार नहीं किया। खुद के पैसे खर्च कर गांव-गांव सत्संग देने जाते, फिर चाहे ट्रेन से हो या प्लेन से हो। करोड़ों रुपए, सोने के अलंकार आपश्री के आगे भाविकों ने रख दिए, लेकिन आपश्री ने उनको छुआ तक नहीं। दान देने की जिन्हें बहुत ही उत्कट इच्छा होती है, उन लोगों को लक्ष्मी सही रास्तों पर मंदिर में या लोगों को भोजन कराने में व्यय करने की सलाह देते थे, और वह भी उस व्यक्ति की निजी आमदनी की जानकारी उनसे और उनके कुटुंबी जनों से पूरी तरह से जान लेने के बाद, सभी की रजामंदी है ऐसा जानने के बाद हाँ कहते। संसार व्यवहार में पूर्णतया आदर्श रहने वाला संपूर्ण वीतराग पुरुष जैसा आज तक दुनिया ने देखा नहीं, ऐसा पुरुष इस काल में देखने को मिला। उनकी वीतराग वाणी सहज प्राप्त हुई,
व्यावहारिक जीवन में निर्वाह के लिए लक्ष्मी प्राप्ति अनिवार्य है। फिर वह नौकरी करके या व्यवसाय करके या फिर अन्य किसी तरीके से हो, लेकिन कलयुग में व्यवसाय करते हुए भी वीतरागों की राह पर किस तरह चला जाए, उसका अचूक मार्ग पूज्य श्री ने अपने अनुभव के निष्कर्ष द्वारा प्रकट किया है। दुनिया ने कभी देखा तो क्या, कभी सुना भी नहीं होगा, ऐसा बेजोड़ साझेदारी का रोल उन्होंने दुनिया को दिखाया। आदर्श शब्द भी वहां वामन प्रतीत होता है, क्योंकि आदर्श वह तो सामान्य मनुष्यों द्वारा अनुभव के आधार पर तय की हुई चीज, जबकि पूज्य श्री का जीवन तो अपवाद रूप आश्चर्य है। व्यवसाय में साझेदारी, छोटी उम्र से 22 साल की उम्र से ही जिनके साथ साझेदारी की, तो अंत तक उनकी संतानों के साथ भी आदर्श प्रणाली से उन्होंने यह साझेदारी निभाई। कॉन्ट्रैक्ट के व्यवसाय में लाखों की आमदनी करते, लेकिन नियम उनका यह था कि नॉन मैट्रिक की पढ़ाई के साथ यदि वे खुद नौकरी करते तो कितनी तनख्वाह मिलती, 500 अथवा 600। इसलिए उतने ही पैसे घर में आने देने चाहिए, बाकी के व्यवसाय में रखने चाहिए, जिससे घाटे के समय में काम आए। और सारा जीवन इस नियम को पकड़े रखा। साझेदार के वहां बेटे बेटियों की शादी हो, उसका खर्च भी आपश्री 50-50 पार्टनरशिप में करते। ऐसी आदर्श साझेदारी वर्ल्ड में कहां देखने को मिलेगी? पूज्यश्री ने व्यवसाय आदर्श रूप से बेजोड़ तरीके से किया, फिर भी चित्त तो आत्मा प्राप्त करने में ही था। 1958 में ज्ञान प्राप्ति के उपरांत भी कई सालों तक धंधा चलता रहा, लेकिन खुद आत्मा में और मन वचन काया जगत को आत्मा प्रार्श्वत कराने हेतु गांव गांव संसार के कोने कोने में पर्यटन करने में व्यतीत किया। वह कैसी अलौकिक दृष्टि प्राप्त हुई कि जीवन में व्यापार व्यवहार और अध्यात्म दोनों एट ए टाइम एक ही समय सिद्धि के शिखर पर रहकर संभव हुआ। लोक संज्ञा का प्राधान्य लक्ष्मी ही है, पैसा ही 11वां प्राण माना जाता है। वह प्राण समान पैसों का व्यवहार जीवन में जो हो रहा है उसके संबंध में, आवन जावन के, नफा नुकसान के, टिकने के और अगले जन्म में साथ ले जाने के जो मार्मिक सिद्धांत हैं और लक्ष्मी स्पर्शना के जो नियम हैं, उन सभी को ज्ञान में देखकर और व्यवहार में अनुभव करके वाणी के द्वारा जो ब्यौरा प्राप्त हुआ, वह पैसों का व्यवहार इस ग्रंथ के रूप में सुज्ञ पाठकों को जीवन भर सम्यक जीवन जीने में सहायक होगा, यही अभ्यर्थना। डॉक्टर नीरू बहन अमीन के जय सच्चिदानंद।